शुरुआत से पहले एक जानकारी, दी ललन टॉप लाया है आपके लिए एक नई पेशकश, बाजा। मजेदार शोज और चौकस किस्से अब ऑडियो में भी आप सुन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए दी ललन टॉप ऐप, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, iOS पे भी है और प्ले स्टोर पे भी है। अब आते हैं तारीख के आज के एपिसोड पर। गर्मी की दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा रहता था, लेकिन इधर उधर या अपने ही घर से कुछ आवाज़ें आती थी। ये है विविध भारती, दिन के 1:30 बजे हैं और आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत। आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों का कार्यक्रम जयमाला। आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत, कुछ ऐसी आवाज़ें जिन्हें आज आप सुनेंगे तो अचानक से ज़िंदगी का एक पूरा चक्का वापस घूमने लगेगा, चेहरे पर एक मुस्कुराहट से आ जाएगी और आप उस दौर में पहुंच जाएंगे जहां से वापस लौटने का शायद मन न करता हो, हमारा भी नहीं कर रहा है। चलिए थोड़ा और इन यादों की गहराई में चलते हैं। ये वो दौर था जब गाँव में लाइट महज कुछ घंटे ही आती थी। एक आम आदमी के लिए मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन होता था रेडियो। दुकानों से लेकर किसी पेड़ की छांव में चारपाई डालकर लेटे चचा के कानों से भी रेडियो सटा रहता था। खेतों में काम होता था, पास में रेडियो बज रहा होता था, तब लोगों को न्यूज़ का टाइम पता रहता था कि कब आने वाली है और मोहल्ले के चार लोग और आ जाते थे रेडियो के पास। कुछ ऐसा था रेडियो का दौर। लेकिन ये दौर आया कैसे, यानी रेडियो इस दौर तक पहुँचा कैसे, बात दूरदर्शन की भी करेंगे और बात ये भी कि रेडियो और टीवी की बढ़ती ताकत का इमरजेंसी के समय कैसे जमकर दुरुपयोग किया गया, कैसे रेडियो और टीवी के कर्मचारियों को कमरे में बंद कर सत्ताधारी पार्टी का काम करवाया जाता था। साथ ही भी जानेंगे कि फिर इसे सत्ता के चंगुल से बाहर निकालने के लिए कैसे प्रसार भारती का जन्म हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की। 13 मई 1897 को इटली के वैज्ञानिक गुग्लेलमो मार्कोनी ने खुले पानी में दुनिया का पहला रेडियो संदेश भेजा था, लेकिन इसके बाद करीब 20 साल तक उन्होंने रिसर्च किया और तब जाकर उन्हें रेडियो का नियमित और व्यावसायिक प्रसारण करवाने में सफलता मिल पाई। ये दिन था 23 फरवरी 1920 का। इसके करीब 2 साल बाद नवंबर 1922 से रेडियो के रोज़ाना प्रसारण की व्यवस्था की जा सकी। लगभग उसी समय ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी BBC की स्थापना हुई, जो कि पूरी तरह से एक व्यापारिक सेवा थी, प्रोफेशनल। BBC की तर्ज पर ही भारत में एक गैर सरकारी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की शुरुआत हुई। कंपनी ने सरकार के साथ मिलकर पहले 2 प्रसारण केंद्र खोले, 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे में और 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता में। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में लंबा समय बिताने वाले गंगाधर शुक्ल अपने किताब वक्त गुजरता है में लिखते हैं, दोनों रेडियो केंद्रों की स्थापना तो हो गई थी, लेकिन दोनों के ही ट्रांसमीटर शक्तिशाली नहीं थे। ये केवल 1.5 किलोवाट के ही थे और इस वजह से प्रसारण क्षेत्र 30 मील तक के ही सीमित था। मुख्य आमदनी का जरिया था रेडियो लाइसेंस, शुरुआत में जिनकी संख्या महज 1000 तक के ही पहुँच पाई थी। यहाँ बता दें कि उस समय लोगों को रेडियो सुनने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता था, बिल्कुल वैसे ही जैसा आज के समय में गाड़ी चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। गंगाधर शुक्ल आगे लिखते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 6 लाख रुपए की लागत से शुरू की गई थी, जिसमें से 4.5 लाख रुपए केंद्रों की स्थापना में ही लग गए थे, जो स्टेशन बनाना पड़ता है आपको। एक रेडियो लाइसेंस की फ़ीस 10 रुपए रखी गई थी। बहुत कोशिश के बाद भी 3 सालों में 8000 लाइसेंस ही दिए जा सके। आपको रकम छोटी लग सकती है, लेकिन उस दौर के हिसाब से, अर्ली 20th सेंचुरी के हिसाब से रकम भारी थी। भारत की सांस्कृतिक विविधता और बहुलता का अच्छे से प्रसारण करने के लिए एक्सपर्ट रेडियो कर्मचारी चाहिए थे और इसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। अंग्रेज़ी हुकूमत में ज़्यादा पैसा मिल नहीं पा रहा था और आखिर वही हुआ जिसका डर था। कंपनी जल्द ही यानी कि 1930 में ही दिवालिया हो गई और रेडियो प्रसारण केंद्र का प्रयोग असफल रहा। अगले करीब 6 सालों तक रेडियो को लेकर फिर कोई नई पहल हुई नहीं। फिर 1 जनवरी 1936 को दिल्ली में रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई। इसे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कहा गया। इसी साल जून महीने में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। इसके बाद रेडियो की दिन दूना रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हुई। अगले 3 सालों में ही रेडियो सेट्स की संख्या 74,000 का आंकड़ा पार कर गई। इतिहासकार मानते हैं कि 1939 से 1945 के बीच रेडियो ने चमत्कारिक रूप से तरक्की की। इसकी वजह था दूसरा विश्व युद्ध, जिसने न केवल लोगों को बल्कि सरकारों को भी रेडियो का महत्व समझाया। मिलिट्री में तो इसका इस्तेमाल खूब हुआ। इसके बाद से ही दुनिया भर की सरकारें खबरों के प्रसारण के साथ साथ अपना प्रचार करने के लिए भी रेडियो का इस्तेमाल करने लगी। भारत में भी ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज़ सर्विस डिवीजन और एक्सटर्नल ब्रॉडकास्ट के असरदार प्रसारण के लिए अलग विभाग बनाए गए।
आज़ादी के समय भारत में कुल 9 रेडियो स्टेशन थे, लेकिन पाकिस्तान बना तो 3 रेडियो स्टेशन वहाँ चले गए। भारत के पास बचे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ के स्टेशन। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम दिया गया। इसके अगले ही साल विविध भारती की स्थापना हुई। 15 सितंबर 1959 को ऑल इंडिया रेडियो ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया और दूरदर्शन की शुरुआत हुई जब उसके तहत था। दूरदर्शन की स्थापना में कुछ देशों और वैश्विक संगठनों की भूमिका को भी भुलाया नहीं जा सकता। दूरदर्शन के लिए यूनेस्को ने भारत को उस समय $20,000 और आज के हिसाब से अगर देखें तो 16 लाख रुपये दिए थे। ये हम आपको सितंबर 2022 का एक्सचेंज रेट बता रहे हैं। साथ ही फिलिप्स कंपनी के 180 टीवी सेट भारत भिजवाए गए थे। ब्रॉडकास्टिंग में इस्तेमाल होने वाली काफ़ी मशीनरी जर्मनी ने दी। 6 साल बाद अगस्त 1965 में दूरदर्शन पर 5 मिनट का न्यूज़ बुलेटिन शुरू हुआ। प्रतिमा पुरी ने पहली बार दूरदर्शन पर न्यूज़ पढ़ी। 180 टीवी सेट्स के साथ शुरू हुआ दूरदर्शन का सफ़र अगले 10 साल में 1250 टीवी सेट्स तक के ही पहुंच पाया। 1970 में 22,000 टीवी सेट और 1977 में ये संख्या बढ़कर करीब 2.5 लाख हुई। दूरदर्शन का ग्राफ जब बढ़ा तो 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग करने का ऐलान किया। देखा जाए तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने इंदिरा गांधी के समय में खूब नाम कमाया, लेकिन इसी दौर में इन संस्थानों के कामकाज पर जमकर सवाल भी उठे। इंदिरा गांधी के दौर में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों ही सरकार और कांग्रेस पार्टी के तारीफ में लगे रहते थे। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी जब महज युवा कांग्रेस की कार्यकारी समिति के सदस्य भर थे, तब ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टेशन से ही एक साल में उन पर 192 खबरें चलाई गईं। इसी दौरान दूरदर्शन ने संजय गांधी पर 265 खबरें चलाई। इमरजेंसी का दौर आया, इन दोनों संस्थानों का और भी बुरा हाल हो गया। प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश ने इमरजेंसी के दौरान कई किस्से लिखे। एक घटना का जिक्र करते हुए वो लिखते हैं कि इमरजेंसी लगने के बाद जनवरी 1976 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आपातकाल की और इंदिरा गांधी के 20 पॉइंट्स कार्यक्रम की प्रशंसा के लिए फिल्म स्टार्स की मदद लेने का फैसला किया। तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ला के आदेश पर मंत्रालय की एक टीम फिल्म जगत की हस्तियों से बात करने बम्बई गई। मंत्रालय की टीम ने जीपी सिप्पी, बीआर चोपड़ा, सुबोध मुखर्जी और श्रीराम वोहरा जैसे नामी फिल्म निर्माताओं के साथ बैठक की। उस बैठक में सिप्पी ने कहा कि गायक और एक्टर किशोर कुमार किसी भी तरह से सरकार की इस पहल से जुड़ने को तैयार नहीं है। सिप्पी ने अधिकारियों को किशोर कुमार से सीधे संपर्क करने को कहा। मंत्रालय में संयुक्त सचिव सीबी जैन ने किशोर कुमार से बात की और उन्हें बताया कि सरकार उनसे क्या चाहती है। जैन ने कहा कि मंत्रालय की टीम कुमार से उनके आवास पर मिलकर उन्हें सब कुछ समझाएगी, लेकिन किशोर कुमार ने मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने से साफ इनकार किया। उन्होंने जैन से कहा कि वो स्टेज शो नहीं कर सकते क्योंकि उनके दिल में कुछ परेशानी है। वो इस समय किसी भी सूरत में रेडियो या टीवी के लिए गाना नहीं गा सकते, ऐसा उन्होंने साफ कर दिया। दिल्ली लौटने पर सीबी जैन ने मंत्रालय के सचिव सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी से कहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन किशोर कुमार ने सहयोग करने से न केवल इनकार कर दिया बल्कि उन्होंने अधिकारियों के साथ बेहद गलत व्यवहार किया। ये सुनते ही मुजफ्फर हुसैन बर्नी ने किशोर कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया। किशोर कुमार के सभी गीतों को तुरंत ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर बैन किया गया। जिन फिल्मों में किशोर कुमार ने अभिनय किया था उन पर भी रोक लगाई गई। इसके अलावा किशोर कुमार के गीतों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड की बिक्री भी रुकवाई गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मानना था कि किशोर कुमार पर इतनी सख्त कार्रवाई हो जो पूरे फिल्म जगत के लिए मिसाल बन जाए। मंत्रालय ने पॉलीडोर और HMV जैसी बड़ी म्यूजिक कंपनियों से भी संपर्क किया ताकि किशोर कुमार के रिकॉर्ड्स की बिक्री पर उधर से भी शिकंजा कसा जा सके। पॉलीडोर नहीं मानी, लेकिन HMV ने कुछ समय के लिए किशोर कुमार से रिकॉर्डिंग करवानी बंद की थी। प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश एक और किस्से का जिक्र करते हुए लिखते हैं, इंदिरा सरकार उस समय नाजियों के स्टाइल में काम करती थी। 7 फरवरी 1977 को अचानक ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े 22 कर्मचारियों को एक अलग काम करने को कहा गया। उनसे कहा गया कि एक बेहद महत्वपूर्ण असाइनमेंट के लिए उन्हें चुना गया है। ऑफिस के बाहर गाड़ियों का काफिला आया और सभी 22 कर्मचारियों को उनमें बिठाकर दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित विश्व युवा केंद्र में ले जाया गया। उन्हें एक हॉल में बैठाया गया और दरवाजे लॉक कर दिए गए। एक 18 पन्नों का अंग्रेजी में लिखा दस्तावेज उनके आगे बढ़ाया गया और कहा गया कि इसका 10 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना है। जब तक ये काम खत्म नहीं होगा तब तक कोई हॉल से बाहर नहीं जाएगा। ये दस्तावेज कुछ और नहीं बल्कि कांग्रेस का घोषणा पत्र था जिसे मार्च 1977 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करवाया जा रहा था सरकारी कर्मचारियों से। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो का यह हाल देखकर ही देश में इन संस्थानों की आज़ादी को लेकर आवाज़ उठी। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बनी और सूचना प्रसारण मंत्री बने लाल कृष्ण आडवाणी।
आडवाणी ने संसद में प्रसार भारती विधेयक पेश किया, जिसमें दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को स्वायत्तता प्रदान करने की बात कही गई, लेकिन ये बिल पास नहीं हुआ। साल 1989 में तीसरे मोर्चे की सरकार बनी और पीएम बने वीपी सिंह। इसके बाद आज ही के दिन 6 सितंबर 1990 को प्रसार भारती विधेयक संसद में पारित किया गया, लेकिन इसी साल नवंबर में वीपी सिंह की सरकार गिर जाने के चलते अधिसूचना को टाला गया और बिल पास होने के बाद भी लागू होने से रह गया। फिर इसके ठीक 7 साल बाद 15 सितंबर 1997 को प्रसार भारती एक्ट लागू हो पाया। प्रसार भारती एक्ट 1990 के अनुसार रेडियो और दूरदर्शन की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र विभाग को दे दी गई, स्वतंत्र कहा जाता है, जिसे एक 15 सदस्यीय बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। बोर्ड में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है। प्रसार भारती के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति सीधे देश के राष्ट्रपति करते हैं। प्रसार भारती एक्ट में इसके बोर्ड को सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। बोर्ड को हर साल अपनी रिपोर्ट संसद में ही पेश करनी होती है। प्रसार भारती को चलाने के लिए फंड सूचना और प्रसारण मंत्रालय से आता है। जब ये एक्ट बना तो लगा कि प्रसार भारती पूरी तरह आज़ाद हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के बीच 1997 के बाद से अब तक कई बार विवाद की स्थिति बनी है, जिनसे साफ पता लगता है कि प्रसार भारती को पूरी आज़ादी दिलाने में थोड़ी कसर बाकी रह गई। जितनी आज़ादी मिली उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, उसको लेकर भी लोगों की अपनी अपनी राय है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको प्रसार भारती के ये जो दोनों अंग हैं कितने स्वायत्त लगते हैं। आज के लिए इतना ही। तारिक के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी अभिनय और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दिल ललन टॉक।